हमारे बीच में ये नारी शक्ति जो एक संघर्ष की प्रतीक है, जिसने आज से नहीं पिछले 30 सालों से हरियाणा के अंदर संघर्ष करा है, वो आज हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बेटी श्रुति चौधरी, आपकी पूर्व सांसद, आज के प्रोग्राम के आयोजक, हमारी महिला शक्ति और बहुत ही प्यारी हमारी बहन, छोटी बहन मैं कहूंगी या बेटी, मेरी तो बेटी लगी, सविता मान, उसके साथ मेरी बेटी समान अमन राघव यहाँ पर आए हुए, सरदार चरणजीत सिंह जी जो एक्स एमपी हैं, बलवान सिंह जी जो एक्स एमएलए हैं, भूपिंदर गंगवा जी, और जो है यहाँ पर मंच पर बैठी हमारी महिला एमसी और जो हमारी सरपंच हैं महिला परिषद की सारी यहाँ पर सम्मानित मंच, और यहाँ आई हुई मेरे सामने हजारों की तादाद के अंदर खूब सुंदर सुंदर तरीके से सजी हुई मेरी बहुत ही प्यारी 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 मेरी माताओं और मेरी बहनों, आज आपको देखकर मेरा खून तो भाई शेर से सवा शेर हो गया। इतनी नारी शक्ति, बहनों की शक्ति जब सामने हो तो कौन हमारे को डरा सकता है? बताओ, हम किसी से पीछे हैं क्या? नहीं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो जहां बहनों का आशीर्वाद हो, माताओं का आशीर्वाद हो और साथ हो, वो काम जो है वो पूर्ण तरीके से होता है। आज हमारे हालात क्या हो गए, हम लोग घर संभालते हैं, गृहणियां हैं, बाकी पढ़ते हैं और बाकी काम करती हैं, लेकिन जो ये महंगाई का प्रकोप है वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर असर करता है या नहीं करता? हालात ऐसे हो गए कि आज हम ना तो ये सुंदर सुंदर चूंदड़ियां बनाने में सक्षम रहे, ना हम टूम पहनने में सक्षम रहे, क्योंकि कहां से बनाएं? हर एक लोग जानते हैं महंगाई का प्रकोप इतना है कि घर गृहस्थी जो है वो चलानी मुश्किल हो रही है। सही बात है या नहीं बहनों? आज हमारे को फिक्र रहती, हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार जो घूम रहे हैं, हमारी जो बच्चियां बेरोजगार हैं, शादियां हमारी बच्चियों की जब होती है तो पूछा जाता है कितनी पढ़ी लिखी है, कहां काम कर रही है, इसी तरह से होता है ना। और आज जो बेरोजगारी का आलम है उससे हम लोग पूरी तरह से त्रस्त। आज ये कहा गया था, आप लोग जानते हैं, केंद्र सरकार में यहाँ पे जब केंद्र के वहां पे ये कौन सी मीटिंग हुई थी, लाल किले से 15 अगस्त को ये बात कही गई थी कि 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा। 2 करोड़ नौकरी का मतलब 10 साल पूरे होने को हैं। आज 10 साल पूरे होने को हैं, बताओ बहनों नौकरियां आई क्या? पत्रकार भाइयों इधर मुंह मोड़ के देखो जरा, जो बहनें कह रही हैं मेरी तरफ बाद में करना, आई क्या नौकरियां? बताओ, जो मोदी जी ने कहा था सही निकला क्या? नहीं, ये कहा था किसानों की आय 2024 तक दुगनी कर दूंगा, कहा था या नहीं कहा था? तो यहाँ किसान आंचल की सारी मेरी बहनें बैठी हैं, बताओ बहनों तुम्हारी किसानों की आय दुगनी हो गई या नहीं हो गई? नहीं हुई। दुगनी की तो बात छोड़ो, दुगनी से भी क्या, आधी से भी आधी हो गई। आज हालात ये, आज नोटबंदी जब करी गई थी तो ये कहा था
कि काला धन वापस लेके आऊंगा, ये एक बात थी या नहीं थी? कहा था नहीं कहा था? काला धन वापस आया क्या? कौन आया? लेकिन थारा धन जरूर निकाल लिया भाई, निकाला ना सारा जो है, जो सदियों सदियों से जमा कर रही थी अपने धनियों की तनख्वाह या अपनी खुद बचा बचा कर छुपा छुपा कर जो धर के रख रही थी, सारा का सारा मोदी जी ने काट लिया? नहीं काट लिया? पत्रकार भाइयों देखो उधर, उस तरफ देखो, काट लिया नहीं काट लिया? काट लिया नहीं काट लिया? सबका काट लिया। तो ये हाल है, मने नहीं हो बताओ काला धन था क्या? मेहनत का काम, मेहनत की पैसा था, और धन तो काटा सो काटा, झूठी और बना दी कि नहीं बना दी? सारी झूठी और बन गई, सबने मेरा पाट लिया भाई, कितना डर रही थी सारी की सारी, ऐसे ही हुआ ना। ये हालात देश के अंदर जब झूठे वायदे करे जाते हैं और नेता झूठ बोलते हैं तो उसका नतीजा ये होता है। ये कहा था कि बहनों को धुएं में से निकाल दूंगा, कही थी ये बात? तो बहनों धुएं में से ऐसा निकाला कि सिलेंडर जो है वो 1600 रुपए का कर दिया, नहीं 1100 का, 1100 का सिलेंडर कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? 10 साल से 1150 रुपए का सिलेंडर ले रही हो, ले रही हो नहीं ले रही हो? सारी की सारी ले रही हो। अब क्या करा? अब 200 रुपए कम कर दिया। 200 रुपए कम क्यों कर दिया पता है तुम्हारे को? क्योंकि चुनाव आ रहा है एक तो ये, और दूसरी बात अब एक नया सिलेंडर मिलन जा रहा है तुमने। ये सिलेंडर में 14 किलो आता है, वो सिलेंडर में आओगा 12 किलो गैस, समझ रही हो? तो यहां से पकड़कर और यहां पर ये हालात कर दिए। आज कैसे हम चौका चूल्हा चलाएं बताओ? एक सिलेंडर दो सिलेंडर कम से कम लगते हैं, लगते हैं नहीं लगते? हम आपको वायदा करते हैं सरकार आने दो, ये सिलेंडर जो है ना तुमने जो मिल रहे हैं आज के दिन 950, और भाई खुदा ना खास्ता ये कल आ गए तो 1150 से भी ज्यादा मिलेंगे। ये गलती ना कर दियो भाई, नहीं करोगे ना? नहीं करोगे? हमारी सरकार आई तो भाई जितना पहले था, 10 साल पहले जो मिला करता था उतने पे सिलेंडर तुम्हारे को हम देंगे। पानी देना। फैमिली आईडी श्रुति ने जिक्र करा, ये फैमिली आईडी कानून लेकर आए, जब मैंने इनको कहा कि ये कानून गलत कानून है, विधानसभा में मैंने इस पे बहुत लंबी तकरीर दी कि ये कानून मत बनाओ, फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी, ये आपके गले की फांस बनेगी। और आज वही हालात हो गए, जो गरीब औरत है जिसको पेंशन मिलनी चाहिए उसको पेंशन नहीं मिल रही, उसकी कट गई। जो गरीब है जिसको राशन चाहिए उसका राशन कट गया, ऐसा ही हो रहा है ना? बताओ हाथ खड़े कर, ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने वायदा करा था कि हम जन सुविधा देंगे, तो ये जन सुविधा होती है या तुम्हारा गला काटने का सिलसिला बना रखा है बताओ मुझे? समझ आ गई है ना तुम्हारे को? ऐसे लोग जो हर चीज पे जुमला बोलते हैं, 15 लाख रुपए से शुरू करा था, 15 लाख खाते में आएंगे,
किसी के खाते में आए क्या 15 लाख? नहीं आए। लेकिन अब चुनाव के टाइम ये नए जुमले लाऊंगे और के बेरा भाई खाते में कि मैं घेर भी दें, समझ गए ना? अगर घेर दिया तो बहुत अच्छी बात भाई, अपने ले लियो ये सोच कर, ये तुम्हारा पैसा है जो तुम्हारी जेब से पिछले 10 सालों के अंदर कट के गया है, लेकिन वोट ना घेरी हो, समझ रही हो? समझ गई तो हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, ये एक टाइम पे पैसा 1200, 1600, 3000 घेर देंगे, क्या फायदा भाई? सच्ची बात है या नहीं? महिलाओं की बात हम समझते हैं। अब चुनाव के टाइम लेकर आएंगे नए नए जुमले, कभी कहेंगे राम मंदिर की प्रभात फेरी फेरो भाई, यूं बता दो भाई यहां जितनी बैठी हो रात ने सब सारी की सारी दिया बाती करो या नहीं करो? सारी करो ना, राम का नाम मैं भी लूं भाई, मेरे तो माला गैल चले। हाँ, और साथ की साथ सुबह शाम मैं भी राम की वो करूं। तो भाई ये राम मंदिर अगर किसी को दिखाना है तो दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, हम भी जाएंगे देखने, लेकिन वोट इसके पीछे ना दियो भाई। मान गई कि नहीं मान गई मेरी बात? क्योंकि हमारे को चाहिए नौकरियां हमारे बच्चों की, हमारे को चाहिए हमारी महंगाई कम हो, हमें चाहिए कि हमारे गैस का सिलेंडर कम हो, हमें चाहिए जो हमारा ये बर्बादी का सबब बना रखा है, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, सारे पोर्टल पोर्टल कर दिए ना, सारा देश का पूरा प्रदेश में एक आदमी एक थैला लेकर हांडे जाओ है भाई, ठीक करवाते हांडते, ऐसे ही हो रहा है ना। वायदा करा था इन्होंने 5100 रुपए पेंशन दूंगा, करा था, कितनों को मिल रही है पेंशन 5100? किसी ने कौन मिले? तो झूठे मिल गए ना, झूठे बोल दिए ना झूठ। तुम चिंता ना करो, ये तो हैं झूठे लोग, लेकिन हम पूरा करेंगे ये वादा मैं आपको करती हूं। इनकी झूठी बातों में, इनके झूठे लारे लप्पे में, और ये जात पात की जो राजनीति करते हैं, हमारी कोई जात नहीं है, हम महिला हैं, हम नारी शक्ति हैं, है या नहीं? हम अपने घर को संभालने वाली, हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा देकर उनको बढ़ाने वाली, हम जो हैं हमारे साथ अगर जाती होती है तो लोहा लेने के लिए भी हम तैयार हैं, तैयार हो या नहीं? तो बहनों याद रखना, ये जो है चुनाव के समय बहुत प्रलोभन लेकर आएंगे, जैसे ये पहले लेकर आए थे। ईब के तो भाई खाते खुलवाती नहीं, अंडों की ना नहीं बता दो, कोनी पक्की बात, हाथ खड़ी करके बताओ, वायदा कर दो मेरे को, जो ये गहरे खातों में ले लियो, लेकिन वोट इनने ना दियो, इन झूठों ने भाई वोट ना दियो, बता दो नहीं दो ना को नहीं दो। और भाई अगर थारे घर के घर वाले भी अगर न्यू कहो है ना कि इनने दे दो, तो उसने बोलियो भाई तू पर इन्हें बोले हमने वो करना है जो हमारा जी चाहोगा, क्यों बहनो, ठीक बात है या नहीं? हम समझदार हैं, हम जानते हैं, और हमारी शक्ति अगर सुदृढ़ है, हमारी शक्ति अगर मजबूत है, तो हमारे को पीछे कोई नहीं हिला सकता। 21वीं सदी में हमारी नारी शक्ति जा रही, और आज ये नारी शक्ति का प्रतिबिंब शैलजा कुमारी जी आपके सामने बैठी हुई, जिसने अपना सारा जीवन भगवान के भरोसे और लोगों के भरोसे अपना जीवन सारा का सारा संघर्ष के साथ लोगों के लिए बिता दिया। कोई इसका घर बार नहीं है, कोई बच्चा आगे नहीं है,
केवल तुम लोग इसके अपने हो, समझ जाओ इस बात को। तो मजबूती दोगे या नहीं दोगे शैलजा जी को, ये बताओ मुझे, पक्का वायदा? हाथ खड़े करके दोबारा बताओ, पक्का वायदा? ताकि शैलजा जी यहां से जाएं तो और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और एक बात अंत में एक और कहूंगी, बहुत सारे आओगे भाई ओल्ड सोल करण खातर, जो आओगा ना ओल्ड सोल करण खातर, उनने बजा दियो भानो। बजा दोगे या नहीं बजा दोगे, पक्की बात? वो पीछे वाली तुम भी बता दो, सही बात। ये लोग जो हैं ये दुश्मन हैं, जनता के विकास के दुश्मन हैं, जनता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, घर के अंदर सुख शांति नहीं रहने देना चाहते। तो आप लोग सब समझदार हो, सारी मेरी माताएं बहनें, सारी मेरी नौजवान बच्चियां, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, ठान लो इस बारी हालात क्या हैं। कहते हैं घर घर जल, घर घर जल जो है पानी का काम जितना श्रुति चौधरी ने करा किसी ने करा आज तक बता दो मुझे। अभी रास्ते में मैं आ रही थी जब मैंने देखा एक बहुत बड़ा इश्तिहार था, थोड़ा सा बोलूं और या छोड़ दूं? इश्तिहार था, उसके अंदर लिखा हुआ था, बहुत बहुत मुबारक मोदी जी, आपने हमारे गांव के अंदर बिजली पहुंचाई। यूपी का इश्तिहार था कोई, भाई थारे पास बिजली चौधरी बंसीलाल जी ने कब पहुंचाई थी? घर घर लट्टू जो है 1960 के दशक में जो है घर घर में लट्टू आ गए थे, आ गए थे नहीं आ गए थे? सड़कें बन गई थी या नहीं बन गई थी? नहरें बन गई थी या नहीं बन गई थी? कॉलेज स्कूल सब कुछ बन गए थे। श्रुति ने आके जो काम करा उसका भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज 10 साल हो गए, मेडिकल कॉलेज इसलिए बनवाया था कि हमारे जब बीमार हो जाते हैं लोग, कभी जयपुर हांडते हैं, कभी रोहतक जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी चंडीगढ़ जाते हैं, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, मेडिकल कॉलेज यहाँ होगा तो हमारे इलाज जो है गरीब लोग जो हैं अपना करवा पाएंगे। लेकिन नहीं, आज 10 साल हो गए नहीं हुआ। एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा गारंटी आती है इनकी, मोदी जी की गारंटी, आयुष्मान भारत। तो बहनों बता दो कितनों के घरों के अंदर 5-5 लाख का उपचार हो गया भाई? नहीं हुआ तो न्यू न्यू करके बताओ भाई, देख लो अखबार वालों देख लो, ये तो है असलियत। अब एक नई यात्रा निकाल रहे हैं ये बीजेपी के लोग, एक नई यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम कुछ विकसित भारत करके है, और कहते हैं शपथ दिलवाते हैं, शपथ लो कि हम अपने देश को विकसित करेंगे। कब तक विकसित होगा वो देश? 2047 हिंदी में क्या होता है? 2047 में हमारा देश विकसित होगा। भाई मैं एक फौजी की बेटी हूं, खून निचावर है इस देश खातर, लेकिन हमें बताओ तो सही विकसित कैसे होगा? क्या करने जा रहे हो? खाली शपथ दिलवा रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, किस तरह से विकसित होगा यह देश हमें बताओ, सही कह रही हूं या नहीं कह रही हूं? तो बहनों ये ध्यान भटकाए रखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 10 साल बरत लिए हमने, बरत कर देखना जरूरी होता है, बरतो ना तो बेरा क्यों कर बांटेगा भाई, हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, हैं या नहीं? सही कह रहे हो, लेकिन अब भाई घर की मुर्गी काम करेगी, बाहर की कौन करे, समझ रहे हो? तो ये जो है आपने बरत कर देखा, वोट डाली, खुलकर डाली,
कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कहावत यही है ना कि काट की हांडी दोबारा कौन चढ़े, यही बात है। लेकिन भाई भिवानी महेंद्रगढ़ का जो लोकसभा में, तो भाई तुमने नहीं दिखा दिया भिवानी वालों ने, काट की हांडी एक बार नहीं है तो दो बार चढ़ा दी, चढ़ा दी नहीं चढ़ा दी, कहावत भी खराब कर दी भाई। तो ये क्यों काम करेंगे, काम नहीं करेंगे ये, क्योंकि इन्हें मालूम है बैठे बिठाए बेवकूफ बनाए जाओ, बावड़े बनाए जाओ, मीठी गोली चुसाए जाओ और वोट लिए जाओ। थारे धोरे कुछ को नहीं, याद रखना थारे धोरे एक वोट है, और ये वोट की ताकत तखत बना देती है और तखत पलट भी देती है। तो ये तखत पलटने के लिए तैयार हो, सारी की सारी तैयार हो, तो अपने घर में जाकर बहनो आज से लग जाओ। 4 महीने पाछे जो है वोट पड़ेंगी श्रुति की, ईब के थारे बल के ऊपर श्रुति जीत के आओगी, मन बेरा है भाई। और एक बारी जिता के घाल दो, तुमने बेरा है, झूठी बात हम बोले कोनी, लारे लप्पे दे कोनी, थापी मारे कोनी, यहाँ काम करण खाता रहे हम तीनों जो बैठे हैं यहाँ, समझ रहे हो, और जनता के हित के काम करने के लिए आए हैं सुबह शाम। मेरे मन में केवल एक ही बात रहती है कि माँ मुझे वो शक्ति देना कि मेरा कर्म अच्छा हो, ताकि मैं लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरी उतर सकूं। और ये काम मजबूती आपने देनी है, आप मजबूती दोगे मुझे और शैलजा जी को, पक्की बात, वायदा। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, आप रहने दो बहन जी, एक मिनट आप रहने, बीच में बुला दिया, एक बात और कहनी थी मैंने तो सारी बुला दी। चलो अब बाकी शैलजा जी उठाएंगी। तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगी, तुम लोग हमारे हो, हमारा परिवार हो, ये हमारा घर है। आज चौधरी बंसीलाल जी नहीं रहे, सुरेंद्र जी नहीं रहे, लेकिन जो जिम्मेवारी आपने हमारे कंधों पे दी है, वो आखिरी सांस तक वो जिम्मेदारी आपके लिए हम निभाएंगे। और भगवान ने चाहा आने वाला समय मेरी माताओं बहनों के लिए, मेरे नौजवान बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए एक सुरैना सुनहरा जो है समय आएगा, और वो काम हम दबके आपके लिए करेंगे। लेकिन पहले हाथ में मजबूती दो, मजबूती देने के लिए तैयार हो, हमारे को मजबूती दो ताकि तुम्हारे को हम मजबूत कर सकें। और एक अंत में सबने शेरो शायरी कर दी भाई, तो मैं भी एक कर दूं शेर, हाजिर कर दूं एक शेर और, जो एक मने एक आदि आवे। सविता मान ने इतना बढ़िया शेर पढ़ा, वो हमारी जो अमन है उसने इतना बढ़िया पढ़ा, तो मैंने कहा भाई ये हमारी बेटियां जो हैं पहले, तो हाँ इनको जो है बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मैं बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा आशीर्वाद है जिस लगन से आप लोगों ने काम करा है और आप करते आए हो, चिंता ना करो, आने वाला भविष्य जो है आप सबका है। तो अंत में एक शेर है, कहते हैं तुंदुए